गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आ चुका हूँ वापस आफ्टर 3 डेज ऑफ हाइपर फोकस। बहुत मज़ा आया सच्ची। ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि जो भी प्लान किया था, जो भी टाइम इन्वेस्ट किया था होटल्स के पीछे, टिकट्स के पीछे, कहाँ जाना है उसके पीछे, कैसे घूमना है उसके पीछे, वो सब वैसे ही हुआ जैसे प्लान किया था। प्लस और भी कुछ चीज़ें ज़्यादा हुई, जितना प्लान किया था उससे भी और ज़्यादा घूमा, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए ये ट्रिप से ज़्यादा मज़ा आया। कल मैंने मेरा एक्सपीरियंस भी जॉट डाउन किया कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की इस बार, क्या क्या नई चीज़ें ट्राई की और क्या क्या सीखा। और ऑफकोर्स सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, कुछ कुछ मिस्टेक्स भी होती है जिससे हम सीखते हैं, है ना, तो वो सब भी लिखा ताकि नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप प्लानिंग करें या फिर नई सिटी में जाए तो क्या करना है वो पता चले। बट ओवरऑल अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मुंबई बहुत सुंदर है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बट वो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जब हम लोग एक्सपीरियंस खुद से करेंगे तभी उसके बारे में समझ पाएंगे, तब तक वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। तो यही है, बट आपके साथ कुछ लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको भी बेनिफिट होगा। अब मैंने क्या क्या नई चीज़ की कि पहली बार तो प्लेन में शूट किया, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, और इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, है ना। फिर दूसरी, अच्छे से आइटनरी प्लान की फ्रॉम स्टार्ट, जाने से लेकर आने तक, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ, तो वो चीज़ भी अच्छी हुई। होटल में शूट किया, होटल में शॉट्स लिए, बुक पड़ी होटल में, होटल में जिम था वहाँ भी गया, बट कुछ रीजन से वहाँ पे मेंटेनेंस चल रही थी तो बंद था अनफॉर्चुनेटली, तो नहीं कर पाया। बट ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था और ये मेरी रूटीन में था, है ना, जिससे मेरे को पता चला कि टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर मैंने पहली बार एयरपोर्ट पे एडिटिंग किया क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो मैं थोड़ा रात को ही पहुंच गया था एयरपोर्ट, तो उस टाइम को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया और एयरपोर्ट पे एडिटिंग कंप्लीट की। अब नींद इतनी आ रही थी बिकॉज 24 घंटे से मैं जाग ही रहा था, तो जिसकी वजह से मैं पूरा वीडियो एडिट करके अपलोड तो नहीं कर पाया, बट मैंने 80-90% एडिटिंग कर ली थी। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम भी जब जाऊँगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं ऐसे ही बैठे नहीं रहूँगा, बट मेरे को पता है कि अब क्या करना है, कैसे उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है ना। तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, ट्राई करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यार हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व की कि वहाँ पे ना लोग सेलिब्रिटीज़ को नॉर्मल पीपल ही गिनते हैं, मतलब ऐसा नहीं रहता वहाँ के लोगों में कि यार हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, कि यार हम भी इनके बंगलोज के बाहर बैठ कर इनको देखें। वो चीज़ टूरिस्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो दूर से आए हैं, अलग जगह से आए हैं, फैंस हो गए, है ना, बट वहाँ के जो लोग हैं वो उस रास्ते से भी जाते हैं, बट उनको एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग ही गिनते हैं, जो कि काफ़ी सही लगा मेरे को क्योंकि वो उनके काम में फोकस करते हैं। जो सेलिब्स है और जो नॉर्मल पीपल है वो दोनों अपने काम में ही फोकस करते हैं, किसी को ऐसा टाइम नहीं होता चलो उनके बंगले के बाहर खड़े रहे, कब आएंगे वो, कब मैं मिलूँगा, है ना, ऐसा नहीं है वहाँ पे। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि वहाँ पे ना जो भी काम करते हैं लोग उसमें दूसरे लोग जज नहीं करते क्योंकि वहाँ पे सब मोटिवेटेड है काम करने के लिए, क्योंकि अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो अच्छी जगह रह पाएंगे। वहाँ पे सुबह सब लोग काम करते हैं और शाम को उनके हेल्थ पे ध्यान देते हैं, और वहाँ पे ऐसा कोई छोटा काम नहीं है कि यार ऐसा काम तू क्यों कर रहा है, सब काम इम्पॉर्टेंट है, कोई भी किसी को जज नहीं करता, क्योंकि जब काम करेंगे तो ही पता चलेगा कि यार ये काम चल रहा है, क्या मैं कुछ और सोचूं, और वैसे ही अलग अलग आइडियाज़ आते हैं लोगों को, तो वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि यार तू ये काम क्यों कर रहा है। अगर एक काम नहीं चल रहा तो लोग दूसरा काम करते हैं, अगर दूसरा नहीं चल रहा तो तीसरा काम करते हैं, कोई गिव अप नहीं करता, एवरी वन इज़ मोटिवेटेड, चाहे वो कोई स्लम में रह रहा है, चाहे कोई वो सेलिब्रिटी हो। मुंबई में काम का कोई टेंशन नहीं है, काम हमें सबको मिल जाएगा, मेन चीज़ आती है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छी जगह रहना इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इस ट्रिप में सही में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की क्योंकि हाइपर फोकस पड़ रहे हैं, है ना, तो जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हो गया एक मस्त एक्सपीरियंस, अब वापस बैक टू ट्रैक आना है। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way.
way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet. तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस चैप्टर 8 कनेक्टिंग डॉट्स। अब डॉट क्या है? हमारी एक ओपन प्रॉब्लम। ओपन प्रॉब्लम मतलब जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया है, जो अभी भी माइंड में चल रहा है, जो अभी भी हमारा टास्क बाकी है ना, वो हो गया एक डॉट जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए। अब ये प्रॉब्लम छोटी से छोटी हो सकती है कि हमें कुछ लेने जाना है जो हम भूल गए हैं, पर हमारे माइंड को याद है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रॉब्लम है कि हमें कुछ लेने जाना है, हमें आज ब्रेड लेने जानी है, हमें आज दूध लेने जाना है, या फिर आज मेरे को मेरे दोस्त से मिलने जाना है पर अभी तक मैं नहीं गया मिलने, तो वो हो गई एक प्रॉब्लम, उसका एक डॉट बन जाता है। तो अब कनेक्टिंग डॉट्स मतलब क्या है? कनेक्टिंग डॉट्स मतलब हमारा माइंड सारे डॉट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो सब डॉट्स को कनेक्ट करता है और हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ कि कोई बच्चा दूध पी रहा है जो हम जिसको बाहर देखते हैं, और उसी से हमें याद आता है कि यार मेरे को भी कल के लिए दूध लेने जाना है। दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी को सैंडविच खाते हुए देखते हैं, तो हमें याद आता है कि मेरे को ये ब्रेड लेनी है। ऐसा ऑफकोर्स आपके दिन में भी होता ही होगा, जो हमें अपने एनवायरमेंट से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। और कई बार अगर कुछ और काम कर रहे हैं, कोई और टास्क पे लगे हुए हैं, उसमें भी हमारी ओपन प्रॉब्लम्स हमें याद आती है। हमारा माइंड बोलता है, ओ ब्रो दिस इज अ पेंडिंग प्रॉब्लम जिसका सलूशन अभी नहीं मिला है ना, इसको कब क्लोज करना है बताओ, तो फिर हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर वो चीज़ सोचने लगते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर टास्क, है ना। तो ये बहुत बार हुआ होगा आपकी लाइफ में भी। तो यही है कनेक्टिंग डॉट्स। अगर आर्टिस्ट को देखोगे, कोई डिज़ाइनर को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जो फिल्म बना रहा है ना, उनको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? वो इंटेंशनली अपने एनवायरमेंट में जाते हैं, अपने एनवायरमेंट को देखते हैं, नॉर्मल पीपल जो आम जिंदगी है लोगों की उसको ऑब्जर्व करने चले जाते हैं, जिससे उनको अपने पिक्चर में क्या कैसे शूट करना है, क्या डायलॉग रखना है, क्या दिखाना है, वो सबका आइडिया आता है। और इसी से क्रिएटिविटी उनकी बनती है, क्योंकि वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। अब ऐसा क्यों होता है? ये नेचुरली होता है, जिसके ऊपर ऑथर ने बताया कि पहले जो ब्रेन स्कैनिंग मशीन्स थी उसमें ये सब माइंड में दिखता था, बट वो सब इग्नोर होता था, जैसे बैकग्राउंड नॉइज आता है ना, वैसे इग्नोर करते थे उसको। बट धीरे धीरे साइंटिस्ट को भी पता चलने लगा कि यार ये तो बहुत मेजर टॉपिक है स्टडी करने के लिए, तो उसी से फिर ये शुरू हुआ और पता चला कि ये नेचुरली ही हमारा माइंड जो भी ओपन प्रॉब्लम्स है, जो भी ओपन लूप्स है जिसको हमने क्लोज नहीं किए, वो ज़्यादा हमें याद आते हैं, जिसके रिलेटेड हमारा माइंड भटकता है, चाहे हम हाइपर फोकस मोड में हो, चाहे हम स्कैटर फोकस मोड में हो। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब हम हाइपर फोकस मोड में हैं और ये चीज़ होती है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड भटकने लगता है, कहीं और सोचने लगता है। पर जब हम स्कैटर फोकस मोड में हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें पता चल रहा है कि यार कौन से ओपन पॉइंट्स हैं जिसको मेरे को क्लोज करना है ना, कौन से क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं जो मेरे को लिखने हैं, ताकि इसके ऊपर मैं बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं, इसका सोल्यूशन मिल गया तो अब मैं इसको क्लोज कर सकूं, है ना। तो क्योंकि जब एक बार वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो माइंड फिर उसके बारे में नहीं सोचता। ये मैं भी और आप भी दोनों एक्सपीरियंस करते ही आ रहे होंगे, जैसे जब नहाने जाते हैं तो कैसे दिमाग हमारा सोचता है कुछ ना कुछ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, और जितना ही नया एक्सपीरियंस करते जाते हैं, जितना नए एनवायरमेंट में जाते हैं, तो वैसे ही ज़्यादा दिमाग में डॉट्स बनते हैं और वही डॉट्स से हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, जो मैं मेरी रीसेंट ट्रिप से भी ये चीज़ रिलेट कर पाया। तो यही है। अब ऑथर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नंबर बताया जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 8549176320। अब ये पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक नंबर बोला जाता है। अब आप थोड़ा सोच के बताओ कि इसको एक यूनिक नंबर क्यों कहा जाता है। अब ऑथर ने ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि जब हमारा कोई कॉम्प्लेक्स टास्क होता है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर को ले लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो हमारे दिमाग में बैठ गई। अब हमारा माइंड क्या करता है कि इसी के रिलेटेड सोचने लगता है, जहाँ भी हम जाते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों में हम इसी टास्क को, हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का ट्राई करते हैं नेचुरली, और ऐसे ही हमें अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तो इसको भी ट्राई करना, और इसी रीज़न से हम अपने टास्क में जो अभी कर रहे हैं उसमें मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। तो यही है। अब इसका सलूशन ये है, आई होप आपने थोड़ा सोचा होगा बट नहीं मिला होगा, ये सारे डिजिट्स के अल्फ़ाबेट्स देखो, मतलब 8 का ई, 5 का एफ आई, 4 का एफ ओ, 9 का ओ एन, ऐसा सब का देखो, फिर आपको एक पैटर्न नज़र आएगी। पैटर्न मतलब ये सारे डिजिट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में रखे हुए हैं।
इसलिए इस 10 डिजिट नंबर को सबसे यूनिक कहा जाता है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी ऐसे ही उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिले हैं, जैसे आर्किमेडीज हो गए, न्यूटन हो गए जो थियरी ऑफ ग्रेविटी लेकर आए, जब उनको पता चला, जब उन्होंने देखा कि एप्पल एक ट्री से गिरा। अब इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में हम इसके रिलेटेड ज्यादा चीजें समझेंगे कि हम कैसे इंटेंशनली हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, छोटे से छोटा हो गया या कोई बड़े से बड़ा हो गया, हमें कोई डिसीजन लेने हैं या फिर कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए या फिर हमें कुछ याद करना है जो याद नहीं आ रहा, उसके रिलेटेड हम देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में।